हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आप सभी को जैसे पता है कि जर्मन शेफर्ड का रैंक अभी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, वन नंबर वन पे वो रैंक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा अच्छी है। काफी अच्छे गार्ड डॉग, काफी अच्छे वॉच डॉग है, जैसे कि आर्मी में, पुलिस में और बहुत सारे कामों में ये डॉग ब्रीड यूज होते हैं, और वर्ल्ड वाइड इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। आपके यहाँ पे आजू बाजू आपको जर्मन शेफर्ड तो देखने को मिलते हैं, बट जर्मन शेफर्ड की पोजीशन अभी बहुत सारे डॉग लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो हम जानेंगे। कुछ ऐसे पांच डॉग है जो अभी फिलहाल में जर्मन शेफर्ड की पोजीशन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पांचवें नंबर पे आते हैं वो है गोल्डन रिट्रीवर। ये डॉग ब्रीड पहले के टाइम पे काफी ज्यादा कॉस्टली माने जाते थे, उनको मेंटेन रखने में काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हैवी होता है, और ऐसे में उनका खाना पीना ज्यादा करके उनके बालों के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा आता है। तो इसमें अभी क्या हो गया, गोल्डन रिट्रीवर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं उनकी लॉयल्टी के कारण और फ्रेंडनेस के कारण, और काफी ज्यादा क्यूट भी होते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें डॉग शोज में भी ले जाते हैं, और ऐसे जो अच्छा एरिया होता है वहाँ पे भी गोल्डन रिट्रीवर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो अभी आप देखोगे कि इनका रैंक जो है अभी पांचवा हो चुका है, और अभी देखोगे कि धीरे धीरे इनकी पॉपुलरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, और जो इनकी केयर करने जैसे वीडियोस में या फिर शॉर्ट्स में बहुत सारी जगह पे बताते हैं कैसे केयर करें, तो लोग उनको देख देख के गोल्डन रिट्रीवर काफी ज्यादा लेने लगे हैं। तो इनका रैंक आप देखोगे बच्चों के साथ काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, फ्रेंडली नेचर के और काफी ज्यादा क्यूटनेस है, इसलिए इनका रैंक अभी जो है पांचवा आ चुका है। गाइस, फोर्थ नंबर पे पोजीशन पे आते वो है हस्की डॉग ब्रीड। इनका कंपटीशन जर्मन शेफर्ड के काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों ब्रीड आप देखोगे कि उनका जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो थोड़ा बहुत सेम होता है, बट जैसे हस्की पे थोड़ा बहुत तो आपको मेंटेन थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, और दोनों के कंपेयर वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। दोनों के प्राइस आप देखोगे काफी ज्यादा ऊपर नीचे आप देखने को मिल रहा है अभी, तो काफी लोग जो जर्मन शेफर्ड के अलावा जो हस्की को भी काफी ज्यादा डिमांड में रखते हैं, क्योंकि वो काफी यूनिक दिखते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके कलर्स में भी आपको बहुत सारी वेरायटी देखने को मिलेंगी, और काफी ज्यादा कम लोगों के पास होता है इसलिए काफी ज्यादा उन लोग को अच्छा लगता है। और हस्की डॉग आप देखोगे इनका इन्वायरमेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कि समर में नहीं रह सकते, गर्मी के टाइम पे वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अभी बहुत सारे लोगों के पास हस्की है, और वो ठंडे एरिया में जैसे कूलर हो एसी हो वहाँ पे अच्छे से मेंटेन भी होते हैं, और अपने जैसे इंडिया के वेदर के हिसाब से भी काफी ज्यादा सही है ये आप इस इनका जो पोजीशन है चौथे नंबर पे इसलिए जाता है क्योंकि अच्छे वॉच डॉग नहीं होते और गार्ड डॉग नहीं होते। बाकी आप देखोगे काफी ज्यादा अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं, इनको आप एज अ वॉच डॉग बना सकते हो, बट बहुत ट्रेनिंग और सोशलाइज आपको देना पड़ सकता है इन डॉग ब्रीड को। गाइस, कॉम्पिटिशन करा है तो बराबर एक करना होना चाहिए, तो ऐसे में डोबरमैन भी काफी ज्यादा कम नहीं है। डोबरमैन अभी जर्मन शेफर्ड को काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहा है। आप देखोगे कि जो डॉग ब्रीड सेल हो रहे हैं वहाँ पे डोबरमैन भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी काफी लीन होती है, काफी तेज भागते हैं और छोटी सी जगह में भी काफी ज्यादा एडजस्ट हो सकते हैं, और खास करके इंडियन वेदर का जो खाना आप हिसाब से रहना और खाना होता है वो काफी अच्छे से अडोप्ट कर लेते हैं। इनको आप घर का खाना भी अच्छे से दे सकते हैं और अच्छे से रह भी लेते हैं। किसी को वॉच डॉग चाहिए होगा तो वो जर्मन शेफर्ड की तरफ जाएगा, या रॉटवाइलर की तरफ जाएगा, या फिर डोबरमैन की तरफ। बट अगर आपको थोड़ा सा स्लिम बॉडी वाला चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से बात माने, अच्छे से रनिंग करे, थोड़े से एडजस्टमेंट जगह में एडजस्ट हो जाए, तो उन लोग के लिए जो डोबरमैन काफी ज्यादा सही रहता है। उनको मेंटेनेंस का खर्चा काफी ज्यादा कम आता है, उनके बाल भी ज्यादा नहीं झड़ते, थोड़े बहुत जो है नॉर्मल झड़ते हैं, बट ज्यादा लंबे नहीं होते, जिसके कारण इनको मेंटेन रखना भी काफी ज्यादा आसान होता है। और ये भी पुलिस में, आर्मी में और ऐसे बहुत सारी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड में भी इन डॉग ब्रीड का यूज होता है, इसलिए जो तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रहा है आज के टाइम पे वो है डोबरमैन। और गाइस, कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारा जो परफेक्ट डॉग ब्रीड आप बोल सकते हो वो है बेल्जियम मेनोलॉइस। ये डॉग ब्रीड आप देखोगे कि जर्मन शेफर्ड की तरह आपको देखने को मिलेगा, इनमें काफी ज्यादा हद तक टैलेंट भरा पड़ा होता है, और इंडिया में काफी कम लोगों के पास ये डॉग ब्रीड है। ज्यादा करके जो विदेशी लोग होते हैं, जो बाहर की कंट्रीज होती है, वहाँ पे ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा पाया जाता है, इन डॉग ब्रीड को काफी ज्यादा माना जाता है। इनका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस देखेंगे आप तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, इनके जो मेंटेलिटी पावर होती है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत सारे मिशन पे, हार्ड मिशन पे इन डॉग ब्रीड का यूज किया जाता है, पुलिस में, आर्मी में तो किया ही जाता है, बल्कि जो सिक्योरिटी पर्पस में भी इन डॉग ब्रीड का यूज होता है। आपको कड़ी मतलब आप बोल सकते एकदम कड़ी सुरक्षा चाहिए, तो ऐसे में भी इन डॉग ब्रीड का काफी ज्यादा यूज होता है। इन डॉग ब्रीड को रखना और पालना काफी ज्यादा थोड़ा बहुत कॉस्टली हो सकता है, इसलिए ये सेकेंड नंबर पे डॉग ब्रीड आते हैं, और खास करके इनको ट्रेनिंग और सोशलाइज की खास करके जरूरत होती है। आप इंडिया में देखोगे तो काफी कम लोगों के पास बेल्जियम मेनोलॉइस देखने को मिलेगा, या फिर रेयर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको मेंटेन रखना, इनकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रॉपर एक्सरसाइज की इनको और गाइडेंस की जरूरत होती है। सेकेंड टाइम ओनर के लिए डॉग ब्रीड काफी ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं।
गाइस ये जो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, नंबर रैंक किया, वो मेरे हिसाब से किया है मैंने, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो पॉपुलर हो रहे डॉग ब्रीड वो कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड को, तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से हमने जो है कैटेगरी चूज की है। और गाइस जो सबसे पहले जो कैटेगरी में आता है वो है लैब्राडोर। लैब्राडोर आप देखोगे कि तो फेस टू फेस कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि जहां पे जर्मन शेफर्ड आपको देखने को मिलता है वहीं आपको लैब्राडोर तो जरूर से देखने को मिलेगा। इन दोनों की पॉपुलरिटी काफी ज्यादा है, यहाँ तक इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी इन डॉग ब्रीड को काफी ज्यादा माना जाता है। लैब्राडोर काफी ज्यादा लविंग नेचर के होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनको रेस्क्यू मिशन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और आप देखोगे कि ये दोनों डॉग ब्रीड काफी ज्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, इसके कारण दोनों डॉग ब्रीड आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएंगे। लैब्राडोर काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, छोटे 2 BHK 3 BHK में आसानी से रह सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा तगड़ा है। बस इनका बालों के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। बाकी जो अभी आप देखोगे कि जहाँ पे 10 डॉग बिक रहे हैं तो 5 लैब्राडोर ही जा रहे हैं और 5 जो है जर्मन शेफर्ड जा रहे हैं, क्योंकि दोनों डॉग ब्रीड लोगों के काफी ज्यादा फेवरेट है और बहुत सारे लोगों के पास होंगे। तो आपके पास कौन सा डॉग ब्रीड है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और आप कैसे इन डॉग ब्रीड को ट्रेन करते हो, कैसे सोशलाइज करते हो, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो ये दोस्तों ये सारी लिस्ट थी, आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।